हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे पनीर मिठाई। पनीर मिठाई बनाने के लिए पनीर को मैंने मिक्सर में ले लिया है और उसके अंदर ये 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये 1 टीस्पून इलायची और जायफल का पाउडर है, इसको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। अब अपने ये मिक्सचर की एकदम से स्मूथ पेस्ट बना ली है और इसको अब अपने प्लेट में ले लेंगे। और प्लेट को ग्रीस बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ही काफ़ी घी होता है। ये पनीर के मिक्सचर को अपने प्लेट में ले लिया है और इसको अब स्टीम करने के लिए रखते हैं। और ये कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, ये रिंग लगा दी है। और ये गया अपना पनीर मिक्सचर और इसको ढक के 10 मिनट स्टीम होने देते हैं। ये अपनी पनीर की मिठाई को स्टीम होते 10 मिनट हुए हैं। ये देखिए नाइफ एकदम साफ आ रही है। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको टोटली ठंडा होने देंगे ताकि इसके अच्छे से पीसीस निकले। ये पनीर मिठाई स्टीम होकर रेडी हो गई है, इसको अब टोटली ठंडा होने देंगे। और ये देखिए अपनी बढ़िया सी पनीर की मिठाई बन के रेडी हो गई है। पीसीस करके डेकोरेट कर लिया है मैंने। इसके ऊपर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं और चाहे तो बनाते टाइम ही ड्राई फ्रूट्स का भूका डाल के बना सकते हैं रेडी टू ईट। बस आप भी बनाएं। हाँ, खिलाएं है वाला इसमें। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।